Hello students, I am Mrs. Anita, a faculty from Hartron Skill Center, Hisar. आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 7 फंक्शन. फंक्शन इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फंक्शन का पार्ट 1 हम दोनों चैप्टर में, अगले चैप्टर में भी इसमें सेम टॉपिक रहेगा. ये फंक्शन का पार्ट 1 है. फंक्शन इन सी लैंग्वेज. फंक्शन है क्या लैंग्वेज में? ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क. फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है. सपोज यू आर बिल्डिंग एन एप्लीकेशन इन सी लैंग्वेज, इन वन ऑफ योर प्रोग्राम यू नीड टू परफॉर्म सेम टास्क मोर देन वंस. हमें एक ही प्रोग्राम में एक हमें जरूरत है सेम टास्क परफॉर्म करने की कई बार, तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं. देखिए, इन सच केस वी यू हैव टू ऑप्शंस. हमारे पास दो ऑप्शन है. यूज द सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट एवरी टाइम वांट टू परफॉर्म. हम सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कई बार यूज कर सकते हैं. क्रिएट ए फंक्शन टू परफॉर्म दैट टास्क एंड जस्ट कॉल इट एवरी टाइम यू नीड टू परफॉर्म दैट टास्क. एक फंक्शन बनाए टास्क को परफॉर्म करने के लिए और उसे जब भी टास्क परफॉर्म करना हो उसे कॉल करें. ये हमारे पास ऑप्शन है सी लैंग्वेज के अंदर कि ये फंक्शन का यूज हम स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है. और ये है क्या? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. टाइप्स ऑफ फंक्शन. टाइप्स ऑफ फंक्शन दो तरह के हैं, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड. प्री डिफाइंड होते हैं जिनके वो फंक्शन जिनके मीनिंग पहले से ही लाइब्रेरी में डिफाइंड होते हैं. यूजर डिफाइंड जिनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं. प्री डिफाइंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, देखो यहाँ पे हम इसको डिटेल से करते हैं. प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन कौन से हैं? पोट्स, कैट्स, प्रिंटर, स्कैनर. ये देखिए, दीज आर द फंक्शन विच ऑलरेडी हैव ए डेफिनेशन इन हेडर फाइल्स. इनकी जो हम फंक्शन पोर्ट्स, गेट्स, प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ, इनकी जो डेफिनेशन है वो हेडर फाइल में पहले से ही डिफाइंड है. प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ का यूज हम कब करते हैं? जब हमें कोई स्टेटमेंट, कोई वैल्यू प्रिंट करानी हो. स्कैन ऑफ, जब हमें कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेनी हो तो इनका यूज हम करते हैं. यूजर डिफाइंड फंक्शन, द फंक्शन दैट वी क्रिएट इन ए प्रोग्राम आर नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन. फंक्शन जिनका यूज हम, जिनका प्रोग्राम प्रोग्राम में तब यूज करते हैं जब हमें उसकी जरूरत होती है. और यूजर अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये फंक्शन डिफाइन करता है. तो ये दो तरह के फंक्शन पढ़े हमने, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड फंक्शन. बेनिफिट्स ऑफ फंक्शन. बेनिफिट्स क्या है? फंक्शन प्रोवाइड्स मॉड्युलरिटी. फंक्शन मॉड्युलरिटी प्रोवाइड करते हैं, हम उनमें चेंजेस कर सकते हैं. फंक्शन प्रोवाइड्स रियूजेबल कोड. हम एक बार लिखा हुआ कोड बार बार यूज कर सकते हैं. फंक्शन, एक बार हमने कोई फंक्शन बना लिया है, वो फंक्शन हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता है, हम उसे बार बार कॉल कर सकते हैं. ए लार्ज प्रोग्राम डिबगिंग एंड एडिटिंग टास्क वेरी इजी विद द यूज ऑफ फंक्शन. किसी भी, कोई भी लार्ज प्रोग्राम में डिबगिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, तो बड़ी इजीली फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं. प्रोग्राम कैन बी मॉड्यूलराइज्ड इनटू स्मॉलर पार्ट्स. और बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सेपरेट फंक्शन इंडिपेंडेंटली कैन बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स. और फंक्शन को हम सेपरेटली भी अपने नीड के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये तो थे हमारे बेनिफिट्स कि हम एक इनमें चेंजेस कर सकते हैं. रियूजेबल है, कोड है जो हम उसका यूज, एक बार फंक्शन बन गया उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं. इसे हमारा टाइम सेव होता है, कंप्यूटर की मेमोरी सेव होती है और हम इसको बड़ी इजीली यूज कर सकते हैं. ये बेनिफिट्स. अब है पार्ट्स ऑफ फंक्शन. किसी भी फंक्शन के तीन पार्ट्स होते हैं. फंक्शन डिक्लेरेशन, सबसे पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं. फिर फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम वो कोडिंग करते हैं जिसके लिए हम फंक्शन बना रहे हैं. फंक्शन कॉल थर्ड में है. फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल का मतलब हमने उसको मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल करना है. तो ये
तीन पार्ट्स हैं, किसी भी फंक्शन के तीन पार्ट्स होते हैं ये। जब भी हम फंक्शन का प्रोग्राम में यूज करते हैं तो ये तीनों पार्ट्स हमारे लिए जरूरी होते हैं। देखिए सबसे पहले सिंटैक्स, फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन। कैसे डिक्लेयर करते हैं? डेटा टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट। फंक्शन का नेम देंगे और कौन से डेटा टाइप का फंक्शन यूज कर रहे हैं, और पैरामीटर लिस्ट कौन कौन सी, कि उसमें अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं तो ब्रैकेट्स में लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल ये इंट, एडिशन, एडिशन फंक्शन यूज कर रहे हैं, इंटीजर डेटा टाइप है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये हमने ऐसे फंक्शन को डिक्लेयर किया है। फिर अब फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन में रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, फिर ओपनिंग ब्रैकेट जो हमें कोडिंग करनी है, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। फंक्शन डेफिनेशन का है ये सिंटैक्स होता है, डेटा टाइप्स, फंक्शन का नेम, अगर आर्ग्यूमेंट्स हैं तो, फिर ओपनिंग ब्रैकेट, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिसके लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट। ये एग्जांपल है इंटीजर एडिशन ब्रैकेट्स, एडिशन फंक्शन यूज कर रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप का, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स यूज नहीं कर रहे, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। फिर अ फंक्शन कॉल, व्हेन ए फंक्शन इज कॉल्ड कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम गेट्स ट्रांसफर्ड टू द फंक्शन। फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स एक है, दो है, तीन है और सेमीकोलन। जब भी फंक्शन कॉल करते हैं फंक्शन का नेम, अगर आर्ग्यूमेंट्स हैं आर्ग्यूमेंट्स यूज करेंगे ब्रैकेट में और सेमीकोलन लगाएंगे। इन द एग्जांपल वो स्टेटमेंट मल्टीप्लाई आई और जे इनसाइड द मेन फंक्शन। तो इस तरह हम फंक्शन को मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल करते हैं। टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी। देखिए हम चार तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं। इनका नेम है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। सबसे पहला फंक्शन है, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड ए रिटर्न वैल्यू। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स लेकिन रिटर्न वैल्यू दे रहे हैं। फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, अब आर्ग्यूमेंट्स तो दे यूज कर रहे हैं लेकिन रिटर्न वैल्यू यूज नहीं कर रहे हैं। फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड ए रिटर्न वैल्यू, इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स भी दे रहे हैं और रिटर्न वैल्यू भी यूज कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, पहला यूजर डिफाइंड फंक्शन का सबसे पहला हमने पढ़ा फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। इसका प्रोग्राम देखते हैं, void sum, सम फंक्शन यूज कर रहे हैं void डेटा टाइप का, इसमें विद सेमीकोलन, देखिए ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन। फंक्शन डिक्लेरेशन, कोई फंक्शन यूज डिक्लेयर करते हैं उसके पीछे सेमीकोलन लगाते हैं। फिर void main, main के अंदर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। देखिए फंक्शन को सम ब्रैकेट सेमीकोलन, अभी पढ़ा हमने पिछली स्लाइड में कॉल कैसे करते हैं। फिर void sum, फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, हम ए बी दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, सी में इनकी एडिशन कर रहे हैं, पूरी वैल्यू प्रिंट करा दी हमने। इसको हम इस प्रोग्राम को करके देखते हैं। हम प्रोग्राम कर रहे हैं, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। stdio.h include conio.h। अब हम लिखेंगे void sum with semicolon, ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब void main, main के अंदर आएंगे, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लियर स्क्रीन यूज कर रहे हैं, फिर प्रिंट ऑफ सम इज बैकस्लैश एन भी यूज करना चाहे तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। अब सम को, सम फंक्शन को हम यहां पे कॉल करेंगे। देखिए सम यहां पे प्रोटोटाइप लिखने की जरूरत नहीं है, सम कॉल कर रहे हैं सीधा, फंक्शन नेम ब्रैकेट विद सेमीकोलन।
गेट सी एच, देखिए ये तो हुआ मेन के अंदर हमने फंक्शन को सिर्फ कॉल किया है। अभी हमारी बची हुई है फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन को हम डिक्लेयर कर चुके हैं, फंक्शन को हम कॉल कर चुके करेंगे यहाँ पे उस ये मेन के अंदर। अब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं, void sum int, देखिए printf enter value of a, scanf percent enter value of a। अब यहां पे परसेंट ए की वैल्यू करा रहे हैं, प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ बी, स्कैन ऑफ परसेंट डी एम परसेंट बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट ऑफ देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी, ये हम सेव करते हैं प्रोग्राम को, मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ एफ यू एन सी डॉट सी, कोई भी नाम से सेव करेंगे। ये देखिए एंटर वैल्यू ऑफ ए बी, ये सम आ गया। तो ये तो था हमारा प्रोग्राम फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। अगर ये सम हम चाहते हैं कि यहीं पे लिखा हुआ है तो हम ये लाइन यहां से हटा देंगे। देखिए इसको हम यहां पे भी लिख सकते हैं सम एस, इसको सेव करते हैं। देखिए ये हमने वैल्यू दी सम, ये देखिए लिखा हुआ गया। तो ये हमारा प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम फंक्शन का विदाउट आर्ग्यूमेंट्स और नो रिटर्न वैल्यू। स्लाइड पे आते हैं दोबारा, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स ये हमारा हो गया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड ए रिटर्न वैल्यू। आर्ग्यूमेंट्स नहीं देनी है लेकिन वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं। इंट सम वॉइड मेन, ये हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। वॉइड मेन इंटीजर डी, क्योंकि रिटर्न करा रहे हैं तो एक वेरिएबल चाहिए, डी इज इक्वल टू सम, ऐसे फंक्शन कॉल करेंगे डी इज इक्वल टू सम, सम की वैल्यू वो डी में आएगी, प्रिंट ऑफ डी गेट सी एच। इंट मेन, अब हम फंक्शन की डेफिनेशन कर रहे हैं, इंटीजर इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जो वैल्यू ली सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्रिंट ऑफ, यहां पे हम लिखेंगे इसका प्रोग्राम करते हैं रिटर्न, यहां पे हम लिखेंगे रिटर्न सी। देखिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं हम, नया ही बनाते हैं इसमें चेंज करने के बजाय, हम वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं इसके अंदर हैश इंक्लूड अब हम यहां पे लिखते हैं इंट सम, क्योंकि वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, वैल्यू रिटर्न करानी है तो इंट लगाएंगे। फिर void मेन के अंदर हम void मेन, फिर यहां पे हम लिखेंगे इंट, एक वेरिएबल लेंगे जिसमें वैल्यू लेंगे, क्लियर स्क्रीन। अब यहां पे लिखेंगे d इज इक्वल टू सम, नो आर्ग्यूमेंट्स, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, प्रिंट ऑफ परसेंट डी कोमा डी, इंटीजर डेटा टाइप है, गेट सी एच। ये हमने
डिक्लेयर किया, फंक्शन कॉल किया, void, void नहीं है, int है, int sum, int sum के अंदर हम वेरिएबल ले रहे हैं a कोमा b कोमा c, थोड़ा दूर लिखेंगे, अब हम लिखेंगे printf enter value of a and b, scanf हम percent d दो वैल्यू ले रहे हैं इंटीजर टाइप की, percent a comma percent b, c is equal to a plus b, फिर यहां पर लिखेंगे return c क्योंकि वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं, func2.c, ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है, देखिए एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये वैल्यू हम एंटर करा दी, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह हमने ये प्रोग्राम किया फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू बट विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। इस तरह हम इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं विद नो आर्ग्यूमेंट्स, नो रिटर्न वैल्यू। अभी हमने जो दो प्रोग्राम किए हैं नो आर्ग्यूमेंट्स और नो रिटर्न वैल्यू, इसी का एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। इंक्लूड stdio.h include dot h, हम यहां पे सिंपल इंटरेस्ट का निकाल रहे हैं, हम इसको फर्स्ट प्रोग्राम की तरह करेंगे, नो रिटर्न वैल्यू नो आर्ग्यूमेंट्स, void si, फिर void main, void main ओपनिंग ब्रैकेट, क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन के बाद हम यहां पे फंक्शन को सीधा ही कॉल करा देते हैं getch, ये फंक्शन कॉल कराया हमने, अब हम लिखेंगे void si, ये यहां पे सेमीकोलन नहीं आएगा। अब हमें डेटा लॉन्ग इंट में लेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, p प्रिंसिपल रेट टाइम और si, अब वैल्यू लेनी है हमें, वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू भी हम यूज कर सकते, p इज इक्वल टू, फिर हम यहां पे लिखते हैं रेट, फिर लिखते हैं टाइम और si का फॉर्मूला लगाते हैं, p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 और प्रिंट एफ, यहां पे लिखेंगे si, ऐसे वेरिएबल नेम भी इसको यूज कर रहे हैं हम, फंक्शन को सेव करते हैं, हम यहां पे लिखते हैं सिंपल डॉट सी, देखते हैं, अच्छा यहां पे लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप है तो ये यूज करेंगे और यहां पे इज इक्वल टू लगाएंगे, सेव किया दोबारा, ये देखिए ये आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमने ये सिंपल इंटरेस्ट का एक फंक्शन बनाया है और विदाउट आर्ग्यूमेंट्स और विदाउट रिटर्न वैल्यू हमने इस प्रोग्राम को यूज किया है। अगर हमें यही प्रोग्राम विद रिटर्न वैल्यू और विदाउट आर्ग्यूमेंट्स करना हो तो देखिए
हम इसको चेंज करेंगे इंट, और यहां पे एक वेरिएबल यूज करेंगे इंट, कोई भी एक वेरिएबल लेंगे यहां पे, एस ले लेते हैं, फिर एस के अंदर वैल्यू लेंगे एस इज इक्वल टू, और फिर हमें ये वैल्यू प्रिंट करानी है, प्रिंट ऑफ परसेंट डी, और यहां पे लिख दे एस। ये हमारा फंक्शन ऐसे कॉल कराएंगे। अब यहां पे हम लिखेंगे इंट, क्योंकि रिटर्न वैल्यू यूज कर रहे हैं, आर्गुमेंट्स नहीं ले रहे हैं लेकिन रिटर्न वैल्यू यूज कर रहे हैं। फिर प्रिंट ऑफ की जगह हम यहां पे लिखेंगे रिटर्न एस, हम रिटर्न करा रहे हैं रिटर्न। ये हमने इसमें हमें ये रिटर्न कराना है, तो इस तरह हम ये प्रोग्राम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए यहाँ पे हमने ये नहीं लगाया है, सेव करेंगे जो भी चेंजेस किया है उसके बाद, और ये हमारा आंसर आ गया। देखिए सेम आंसर सेम वैल्यू यूज कर रहे हैं लेकिन हमारा करने का जो मेथड्स है वो अलग अलग है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपको इसके फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन के दो पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे।